लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में किसानों में उस समय आक्रोश छा गया जब 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी नवीन मंडी स्थल पर बने धान क्रय केंद्रों पर खड़ी धान से भरी ट्रॉलियों की भ्रष्ट केंद्र प्रभारी की लापरवाही के चलते तोल नहीं की गई, जिसके चलते भारी संख्या में किसानों ने पलिया तहसील पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन पलिया उपजिलाधिकारी डॉक्टर अमरीश को सौंपा, परेशानियों के समाधान की गुहार लगाई है। किसानों का आरोप है कि पलिया की नवीन मंडी स्थल पर बने धान क्रय केंद्रों पर 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उनकी ध्यान से भरी ट्रॉली की तोल नहीं की गई है। धान के तौल कार्य में हो रही लापरवाही का खामियाजा क्षेत्र के भोले भाले किसानों को झेलना पड़ रहा है। मंडी में तौल के लिए करीब 40 धान से लदी ट्रॉलियां खड़ी हुई है जो खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते मंडी समिति में कई दिनों से खड़ी किसानों के धान की फसल खराब होने की कगार पर पहुंचने लगी है। 12 से अधिक आक्रोशित किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का कहना है कि जब भी वह अपनी समस्या लेकर उपजिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं दिया जाता। किसानों ने SDM से कहा है कि पिछले 1 माह से धान लदी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, अधिक समय होने के चलते धान की फसल खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों के धान की फसल तौल कार्य में बरती जा रही लापरवाही का खामियाजा क्षेत्र के आम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ यही है कि अब हमारा धान, सभी किसानों का धान मेरी तरह खराब होने की कगार पे है। सरकार अभी तक इस पे कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही है। मंडी समिति के जो भी अधिकारी हैं वो उस पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। किसान परेशान है। गन्ना की जो लोडिंग फैक्ट्री में गन्ना भिजाना वो भी नहीं भिजवा पा रहा, एक तरफ फंसा हुआ धान बेचने में, दूसरी तरफ गन्ने के लिए। सरकार कहती है गन्ना बो, गन्ना ना बो, फसल बो, और फसल बो तो उसकी बिक्री नहीं हो रही। मैं ग्राम मरुचा का रहने वाला हूँ और मंडी में मेरा धान आए करीबन दिवाली के एक दिन बाद आया और लगभग कोई अधिकारी पूछने वाला नहीं है। और एक कौआ खेड़ा के नाम से काटा आया है जो कि उसकी फीडिंग 2 तारीख से लगातार फीडिंग हो रही है और ना कोई धान खुला है। बैनर भी एक दिन टांगा, उन्होंने फोटो खींच के वो चले गए। पिछले कई दिनों से धान फसल की तौल कराने को लेकर किसान मंडी समिति में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या बताकर उनकी धान फसल की तौल नहीं की जाती। मंडी समिति में कई दिनों से किसानों की धान फसल की तौल ना होने के चलते किसानों का धान खराब होने की कगार पर पहुंचने लगा है। NBC News के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।